हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने ही चैनल में जिसका नाम है क्रिकेट एक्सपर्ट। तो अभी हम बात करने वाले हैं आज के होने वाले पहले मैच की। ECS T10 मेलबर्न में होने वाला है पहला मैच। हमारे पास एवरग्रीन क्रिकेट क्लब है और यहाँ पर रॉयल स्पोर्ट्स है। दोनों टीम्स ने दो दो मैचेस खेले हैं और दोनों मैचेस हार कर आ रहे हैं, अपने पिछले मैचेस हार कर आ रहे हैं। पर यहाँ पर कुछ ऐसे स्टैंड आउट परफॉर्मेंसेज रही जिन्हें हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। दोनों ही टीम में से बहुत बढ़िया बढ़िया प्लेयर भी हमें देखने को मिले, चेंजेस भी हमें देखने को मिले, और किस प्लेयर ने कितने ओवर करवाए हैं, कितने विकेट्स लिए हैं, वो सारी की सारी डिटेल अभी मैं आपके ले कर आऊँ। अगर आपको पिछली डिटेल भी देखनी होगी तो वो भी आप देख सकते हो। तो अभी जो हम पूरी की पूरी डिटेल डिस्कस कर लेते हैं। डिटेल डिस्कस करने से पहले जिन भाई ने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, क्योंकि फाइनल अपडेट आपको वहीं पर मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस कमेंट बॉक्स दोनों में मिल जाएगा, तो दोनों से ही आप जुड़ सकते हो। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, फाइनल अपडेट जो टीम पर होगा कि अगर कोई प्लेयर खेल रहा है कोई नहीं खेल रहा है और जो मैं चेंज करूँगा अपनी टीम में, तो वो सारी की सारी जो अपडेट्स हैं वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यहाँ पर वेदर रिपोर्ट की अगर मैं बात करूं, कोई भी चांस नहीं है रेन की। और पिच रिपोर्ट आपको पता ही है, ज़्यादा हाई स्कोरिंग मैचेस नहीं हो रहे हैं। तो उस हिसाब से अगर आप एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर देखो तो भैया 80 है। और यहाँ पर अगर आप देखो कि चेस करते हुए टीम ज़्यादातर मैचेस नहीं जीत पा रही हैं, डिफेंड कर ले रही हैं रन सारे के सारे टीम्स, तो यहाँ पर आप जो है जो भी टीम टॉस जीतेगी वो शायद डिफेंड करने का ही निर्णय लेगी। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ECC की, तो दो मैचेस इसके हुए बैक टू बैक मैचेस थे इसके। यहाँ पर पहले मैच में आई मियान ने 5 रन के साथ 2 विकेट और यहाँ पर 2 रन ओपन ही कर रहे हैं दोनों मैचेस में। उसके बाद आमिर अली 0 और 14, उसके बाद नज़र मोहम्मद 4 और 10 रन, उमर नवाज़ हमारे पास है 11 और 33 रन, उसके बाद आफ्ताब मोहम्मद 1 रन के साथ 11 रन, उसके बाद अगर आप बात करो आसिफ कलियाल हमारे पास है 12 रन के साथ 1 विकेट, 6 रन के साथ 3 विकेट, उसके बाद जेड क्यानी हमारे पास है 12 रन 3 रन के साथ 1 विकेट, उसके बाद टी अहमद 1 रन 0 रन, फिर उसके बाद लतीफ़ 0, उसके बाद आर अहमद 4 रन, और उसके बाद अगर आप देखो मेहरन खान को खिलाया गया दूसरे मैच में, ना इससे बॉलिंग करवाई गई ना बैटिंग करवाई गई। यहाँ पर अगर आप देखो बेंच में पहला ये जो पहले मैच में खेला था AW मोहम्मदुल्लाह, दूसरे मैच में नहीं खिलाया गया इसे, उसके बाद आफ्ताब मोहम्मद। यहाँ पर अगर आप देखोगे दोनों मैचेस में इसने बॉलिंग करवाई है। दूसरे मैच में वही है कि भैया कम रन्स थे तो सामने वाली टीम ने जल्दी स्कोर कर लिया था। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो आफ्ताब मोहम्मद 2 ओवर पहले मैच में और दूसरे मैच में 1 बॉल करवाई। उसके बाद अगर आप देखो भैया उमर नवाज़ पहले मैच में 1 भी बार बॉलिंग नहीं करवाई, दूसरे मैच में 1.1 ओवर। उसके बाद अगर आप बात करो जेड क्यानी, दोनों मैच में 2-2 ओवर करवाए और 1 विकेट चटकाई है। यहाँ पर आई म्यान की अगर मैं बात करूँ, दोनों मैचेस में 2-2 ओवर और यहाँ पर 2 विकेट एक ही मैच में चटकाई थी इसने। उसके बाद नज़र मोहम्मद की अगर आप बात करो, विकेट कीपिंग सेक्शन में आपको बहुत बढ़िया करके दे सकता है। दोनों मैचेस में इसने बॉलिंग प्लस बैटिंग दोनों करी है और 2-2 ओवर करवाए हैं। उसके बाद आसिफ कलियाल हमारे पास है, 4 विकेट इसने चटकाई है। यहाँ पर आप ऊपर देख सकते हो भैया, 1 विकेट पहले मैच में, 3 विकेट दूसरे मैच में, और यहाँ पर ओवर आप देख सकते हो 3.2 करवाए हैं, 1.2 ओवर पहले मैच में और 2 ओवर दूसरे मैच में। नीचे अगर आप देखना चाहो सारी की सारी डिटेल, एस लतीफ़ को मैं इसीलिए रख रहा था, इसकी परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है, पर वो ये अभी से बहुत नीचे भेजा जा रहा है तो कोई मतलब नहीं है इस प्लेयर को रखने का। यहाँ पर अगर आप देखो नज़र मोहम्मद, अगर आप देखो भैया इसने बॉलिंग प्लस बैटिंग दोनों करी है, इसीलिए हमें इस प्लेयर को रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद W अली अगर खेल जाता तो आपको बैटिंग ही करके देगा सिर्फ और सिर्फ। रहीस अहमद मैंने इसीलिए अपनी टीम में रखे हुए हैं, वैसे इससे बॉलिंग नहीं करवाई जा रही, पर अगर आप इसकी एवरेज देखोगे तो भैया बहुत बढ़िया, और ओवर भी इसने T20 में करवाए हैं तो हमारे लिए बहुत बढ़िया कर सकता है। आप नीचे जो है सारे के सारे स्टैट्स और भी अगर आप देखना चाहो तो आप देख सकते हो। मेहरम खान का भी आपको यहाँ पर स्टैट दिख जाएगा, 4 मैचेस में 46 रन इसने करे हैं और यहाँ पर विकेट 0, 1 बॉल करवाई थी इसने, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सारे के सारे इनडेप्थ स्टैट्स मिल जाएंगे। यहाँ पर HSC की अगर मैं बात करूँ, दोनों मैचेस बैक टू बैक स्टार्टिंग के 2 मैचेस इसके थे, इनके थे। पहली टीम में थोड़ी सी प्लेइंग 11 की दिक्कत हुई थी, क्योंकि पांडा को पहले मना कर दिया गया था कि भैया नहीं खेल रहा है प्लेयर, और यहाँ पर ये प्लेयर खेल रहा था, और उसके बाद आते ही इसने 42 रन और 1 विकेट ले ली। उसके बाद यहाँ पर अगर मैं बात करूँ दूसरे मैच में 34 रन और 2 विकेट, उसके बाद एस कुंजीर 1 रन 4 रन, उसके बाद एस राठौड 4 रन इसने बनाया है, एम प्रभु 1 रन और 4 रन, उसके बाद पी प्रमोद हमारे पास है 2 रन, उसके बाद एस शेट्टी 15 रन, उसके बाद प्रमोद हमारे पास है 19 रन के साथ 0 विकेट,
रोहित सप्रू हमारे पास है, एक विकेट इसने छटकाई है। उसके बाद नीचे आप देख सकते हो भैया कुछ नहीं करा है प्लेयर्स ने। यहाँ पर अगर आप देखो बॉलिंग डिपार्टमेंट में तो बहुत ज़्यादा चेंजेस आपको देखने को मिल जाएंगे। एक एक ओवर पहले मैच में करवाया था कई सारे प्लेयर्स ने। यहाँ पर अगर आप देखो एस गौर ने एक ओवर करवाया पहले मैच में, दूसरे मैच में दो ओवर करवाया, एस शेट्टी पहले मैच में एक ओवर, दूसरे मैच में दो ओवर। उसके बाद पी प्रमोद पहले मैच में इसने एक ओवर करवाया, दूसरे मैच में इसने ओवर ही नहीं करवाया। ये मधु पहले मैच में खेला ही नहीं, दूसरे मैच में दो ओवर करवाया, 11:30 की इसकी इकनॉमी रही। उसके बाद ये पांडा हमारे पास है, एक ओवर और दो ओवर, यहाँ पर दोनों ही मैचेस में इसने विकेट चटकाई है। एकमात्र ऐसा प्लेयर जिसने दोनों मैचेस में विकेट चटकाई। उसके बाद एस कोहली की अगर मैं बात करूँ, पहले मैच में एक ओवर करवाया, दूसरे मैच में खेला ही नहीं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास पी भैरव दो ओवर और एक ओवर यहाँ पर। उसके बाद अगर यहाँ पर मैं बात करूँ आर शप्रू 1.2 ओवर और एक ओवर यहाँ पर। जो एक विकेट इसने चटकाई है वो पहले मैच में चटकाई, दूसरे मैच में कोई भी विकेट नहीं चटकाई। यहां पर अगर आप देखना चाहो भैया सारे के सारे स्टैट्स देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर आपके लिए सारे के सारे स्टैट्स मैं लेकर आया हूं। एस राठौड़ की अगर आप बात करो, ज्यादा बढ़िया प्लेयर है ही नहीं है। चार मैचेस में 54 रन बनाया, तो आप देख सकते हो करीब करीब 12 की इसकी जो है एवरेज है। उसके बाद यहां पर अगर मैं बात करूं तो अरविंद हमारे पास है। उसके बाद नीचे अगर आप देखो भैया सारे के सारे, वैसे मैं स्टैट्स आपके लिए कल ही लेकर आ गया था, तो अगर आपको स्टैट्स देखने हैं, कुंजीर का रखने का मेरा यही मतलब था, क्योंकि भैया इसकी स्टैट्स, इसकी एवरेज अगर आप देख लोगे T20 में तो बहुत तगड़ी है। और यहाँ पर एस कुंजीर मैंने एक आधी टीम में फिर भी ट्राई करा हुआ है कि अगर कल के दो मैचेस में नहीं चला तो क्या पता आज के मैच में चल जाए। तो अभी जो हम यहाँ पर टीम की बात डिस्कस कर लेते हैं। टीम की बात डिस्कस करने से पहले जिन भाई ने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब और वीडियो लाइक नहीं करी है, दोनों काम कर लो, क्योंकि ऐसी वीडियोस और भी आती रहेंगे आपके लिए इस चैनल पर। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ पी चंद्रशेखर हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है, आपको जो है बैटिंग करके देगा। ए अली अरसनाल अली यहाँ पर हैं, अहमद अली है ये, हाँ ये इसकी परफॉर्मेंस, वैसे अगर आप स्टैट्स देख लो अगर इस प्लेयर के, बहुत तगड़े स्टैट्स हैं। आपको वैसे सारे प्लेयर खेलते हुए दिख जाएंगे। एम प्रभु के स्टैट्स भी बहुत बढ़िया, ग्रैंड लीग में आप इसे ट्राई कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर एस कुंजीर हमारे पास है, एस कुंजीर को मैंने एक आधी टीम में मौका दिया है। उसके बाद एन मोहम्मद की अगर मैं बात करूँ तो ये प्लेयर भी आपके लिए बढ़िया रहेगा, बॉलिंग प्लस बैटिंग दोनों करवा के आपको देने वाला है। बैटिंग सेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर ए पांडा, पी प्रमोद, आर अहमद और इसके अलावा आपको कोई प्लेयर दिखेगा ही नहीं जो ज़्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस। आयस लतीफ़ के स्टैट्स बहुत बढ़िया है पर इसने परफॉर्मेंस उस तरीके की नहीं करी। टी अहमद हमारे पास है, यहाँ पर डब्ल्यू अली अगर खेल जाता है बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है और इसकी सिलेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है अगर ये खेल जाता है। साहिल राठौड़ के वैसे ही स्टैट्स बढ़िया नहीं है। ए चंद्रशेखर के मैं स्टैट्स आपको बता चुका हूँ। मेहरम खान खेला, इसके भी स्टैट्स मैं आपको बता चुका हूँ। 12 की एवरेज इसके इस बंदे की है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ एक कलियाल बहुत इंपॉर्टेंट है, आई म्यान इंपॉर्टेंट है, आर सप्रू और एस शेट्टी। एस शेट्टी और आर सप्रू में से कोई एक आप लेकर जा सकते हो। एस शेट्टी आपको बॉलिंग प्लस बैटिंग करवा देगा, आर सप्रू आपको जो है यहाँ पर बॉलिंग मतलब वो ना करवाए, शायद बैटिंग ना करे, आर सप्रू पर बॉलिंग जरूर करेगा। ए मोहम्मद की अगर मैं बात करूँ, ये आपको बॉलिंग प्लस बैटिंग दोनों देगा, मतलब दोनों मैच में इसने बॉलिंग भी करी है और बैटिंग भी करी है। पी बहरा आपको बॉलिंग करवा के दे देगा। ए मोहम्मद यहाँ पर अगर आप चाहो तो किसी एक डिफरेंशियल पिक की तरह ट्राई कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात करूँ, यूनवास, जेड क्यानी और एस गौर। नीचे अगर आप देखो एस कोहली पहला मैच खेला, दूसरा मैच खेला ही नहीं। उसके बाद ए मधु दूसरा मैच खेला, पहला मैच नहीं खेला। फिर उसके बाद पी रामाकृष्णन हमारे पास है। यहाँ पर नीचे अगर आप देखो भैया चार ही पाँच ही तो प्लेयर है हमारे पास जो बॉलिंग सेक्शन में है, तो यहाँ पर ज़्यादा ऑप्शन है ही नहीं हमारे पास। तो यहाँ पर ये सारी की सारी परफॉर्मेंस और ये प्लेयर हमें खेलते हुए दिख सकते हैं। तो अभी जो हम टीम की बात कर लेते हैं, पहली टीम एक अलियाल एज अ कैप्टन रखे हुए हैं, वाइस कप्तान की अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास ए पांडा है। फिर उसके बाद पी चंद्रशेखर हैं, ए अली हैं, पी प्रमोद, आर अहमद, आर सप्रू, आई मियान, उसके बाद एस गौर, यू नवाज और जेड क्यानी। पूरी की पूरी टीम अगर आप चाहो स्मॉल ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हो, वैसे ग्रैंड लीग में भी ट्राई कर सकते हो ये टीम, क्योंकि यहाँ पर कप्तान वाइस कप्तान अगर आप देखो थोड़ा सा रिस्की मैंने कप्तान रखा हुआ है, वाइस कप्तान वैसे रिस्की नहीं है पर हाँ कप्तान थोड़ा सा रिस्की है। यहाँ पर दूसरी टीम की अगर मैं बात करूँ तो ये टीम हमारे लिए स्मॉल ग्रैंड लीग की टीम रहेगी। ए पांडा एज अ कैप्टन रखे हुए हैं, वाइस कप्तान आई म्यान रखे हुए हैं, एस कुंजीर हैं, मोहम्मद हैं, उसके बाद पी प्रमोद हैं, आर अहमद हैं, आर शेट्टी हैं, एक अलियाल हैं, एस गौर हैं, यू नवाज़ हैं और जेड क्यानी हैं। स्मॉल ग्रैंड लीग और हेड टू हेड में भी अगर आप ट्राई करना चाहो ये टीम ट्राई कर सकते हो। यहाँ पर वाइस कप्तान भी आप बदल सकते हो, एक अलियाल एज अ वाइस कप्तान रख सकते हो, वो भी प्लेयर हमारे लिए बढ़िया रहेगा। तो इसने मतलब क्योंकि बॉलिंग बहुत तगड़ी करी है, जो मैंने आपको ग्रैंड लीग की टीम दी है उसमें आप चाहो तो, क्योंकि मतलब मैंने यहाँ पर ग्रैंड लीग में कप्तान इसे रखा हुआ है तो इसलिए मैं आपको कह रहा था कि थोड़ा सा रिस्की हो सकता ही है।
तीसरी और आखिरी टीम की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो हमारे पास ए पांडा एज अ कैप्टन रखे हुए हैं और वाइस कप्तान जो है कलियाल है, हेड टू हेड की टीम है, एन नवाज़ हैं, पी प्रमोद हैं, उसके बाद आर अहमद हैं, आर सपरू, एस सेटी, आई मियान, एस गौर, यू नवाज़ और जेड कियानी है। पूरी की पूरी टीम हमारे लिए हेड टू हेड फेवरेबल है, स्मॉल लीग में बहुत बढ़िया हमें परफॉर्म करती हुई दिखेगी। तीन टीम्स आपको प्रोवाइड करवा चुका हूँ, एक स्मॉल लीग की टीम, एक स्मॉल ग्रैंड लीग की टीम, एक ग्रैंड लीग की टीम। अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो क्योंकि फाइनल अपडेट आपको वहीं पर मिलने वाला है। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा क्योंकि ऐसी वीडियोज़ और भी आती रहेंगे आपके लिए इस चैनल पर।